जय हिंद वंदे मातरम। मैं ऋतिक सिंह आरएस फिटनेस एकेडमी की तरफ से मैं आज आपको चेस्ट का फोर एक्सरसाइज बताऊंगा जिसमें कि आपका फुल चेस्ट वर्कआउट होगा। जैसा कि पहला वीडियो देख रहे हैं, पहला एक्सरसाइज ये होगा, इससे कि आपका शरीर गर्म हो जाएगा। उसके बाद आपका मैं दूसरा एक्सरसाइज बताऊंगा जिसमें कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, अपर बॉडी के लिए क्या, लोअर चेस्ट के लिए क्या, और मिडिल चेस्ट के लिए क्या, फुल चेस्ट के लिए क्या करना है। ये सारा एक्सरसाइज मैं आज आपको इस वीडियो के लास्ट तक में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये वीडियो बताना चाह रहा हूँ, ये एक्सरसाइज करें जिससे कि ये अपर चेस्ट जो अपर का है वो आपको गेन करने के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि मैं जिसे करूंगा वैसे आपको करना पड़ेगा 20 रिपीटेशन के 4 बार। ज़्यादातर लोग 3 बार ही करते हैं लेकिन आपको 4 बार करना है 20 रिपीटेशन के। हर एक रिपीटेशन के बाद आपको 3 मिनट का रेस्ट लेना है। तो आप 3 मिनट में पर कुछ भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, लेकिन 4 रिपीटेशन आपको करना। तो ये रहा दूसरा एक्सरसाइज जो कि आप देख रहे हैं अपर चेस्ट के लिए। और जैसे मैं कर रहा हूँ आपको स्लोली स्लोली मूव करना है, जैसे मैं करके बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। अगर आपके पास जो मेरे पास है वो अगर आपके पास नहीं है तो आप चेयर का भी सहारा ले सकते हैं, टेबल का सहारा ले सकते हैं, चौकी का सहारा ले सकते हैं। आप घर पे जैसे चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं, बस आपके तरफ ऊंचा होना चाहिए और पैर नीचे होना चाहिए और आप स्लोली स्लोली मूवमेंट आपका होना चाहिए जिससे कि आप देख रहे हैं आपको अपर चेस्ट पर ज़्यादा प्रभाव पड़े। ये चेस्ट का तीसरा एक्सरसाइज का नीचे का भाग, सबसे नीचे वाला पोर्शन जिसे ये, इसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा और 20 रिपीटेशन का ये भी 4 बार होगा। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा आपको करिए। ये एक्सरसाइज आपको चेस्ट का नीचे का पोर्शन के लिए किया जा रहा है जिससे कि आपको सबसे लोअर चेस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। और ये जैसा मैं वीडियो करके बता रहा हूँ स्लो स्लो आपको भी मूवमेंट करना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपको ये चेस्ट का फुल वर्कआउट आपको देखने को मिलेगा और आप 1 महीना एक्सरसाइज करने से आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव आए। ये रहा चौथा एक्सरसाइज जो कि आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट, ये पूरे चेस्ट का वर्कआउट है, पूरा हैंड का वर्कआउट है जिसे आप देख रहे हैं, फुल शरीर वर्कआउट इसको कहते हैं और इसे नॉर्मल पुशअप के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप कर देख रहे हैं मैं वीडियो में करके बता रहा हूँ, पूरा स्लो स्लो आपको करना है, आराम आराम से करना है, एकदम नॉर्मल। और जैसे आप देख रहे हैं वीडियो का लास्ट तक बने रहें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।